चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके लिए काल, उसको टेंस कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद और उस भेदों के भी भेद जो कि इम्पोर्टेंट, आपको भेदों पे भेद से ही आपके जो क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस सेट, इस वीडियो को आप जितनी बारीकी से देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट को आप उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे ताकि प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे आप कर पाओगे। आगे देखें, सबसे पहले काल क्या होता है। तो काल का मतलब होता है समय, टाइम, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का मतलब समय का पता चले वो हमें काल कहते हैं। ये सिंपल सा आप हम पहले से जानते ही हैं। जैसे देखो, रोहन पुस्तक पढ़ता है तो इसमें किस काल की बात हो रही है, पढ़ता है। देखिए, प्रदीप खाना खा रहा था और रमेश कल दिल्ली जाएगा, तो देखो ये काल है। किस काल का पता चलता है, काल के भी देखो, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, सबसे पहले भूतकाल की बात करते हैं कि भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, जो टाइम बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से समय का, बीते हुए समय का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। इसका इसकी पहचान क्या, वाक्यों के अंत में था, थी और थे आदि आते हैं। जैसे रमेश दिल्ली गया था, नाना जी कहानी सुना रहे थे, तो था और थे इस तरह से आते हैं। देखिए भूतकाल के प्रकार, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको काल के इन भेदों के एग्जाम्पल होते हैं और पूछा जाता है कि कौन से भूतकाल है, कौन सा भविष्य काल है या कौन सा वर्तमान काल है, तो इन्हीं भेदों में कोई एक पूछ लिया जाता है। चलिए ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य भूतकाल पे। तो सामान्य भूतकाल कहते किसे हैं, देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित पता न चल पाए उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, अर्थात जिसे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। टाइम का पता हमें नहीं चल पाता, कब की बात कर रहे हैं, निश्चित टाइम नहीं पता होता है। देखिए, जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता स्कूल गई। देखिए इसमें जो गाना गाया है वो कब गाया ये टाइम पता नहीं है निश्चित समय, लेकिन हाँ भूतकाल में गया था, कल परसों, एक महीना, दो महीना या एक साल कभी भी हो गया होगा, लेकिन टाइम का निश्चित पता नहीं चल पाता है। तो ये हमारा सामान्य भूतकाल, इसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। आगे देखिए, आसन भूतकाल बड़ा ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा ध्यान देखिए। आसन का जो अर्थ होता है वो निकट है, निकट मतलब पास। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया बस अभी अभी, जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, वो आसन मतलब पास में ही है अभी, वो टाइम जो बस, वो आसन आपका भूतकाल कहलाता है। देखो, मैं अभी उत्तराखंड से आया हूँ, मैंने सेब खाया है, अध्यापिका पढ़ा के आई है, मैं अभी सोकर उठा हूँ। तो पहला वाला मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं अभी उत्तराखंड से आया हूँ, तो देखो जस्ट अभी अभी हुआ है, बस ट्रेन से उतरे, बस से उतरे हों, बस अभी घर ही पहुँचे हों, या बस अभी हाथ वगैरह ही धोया हो, फ्रेश हुए हों, तो बस अभी अभी उत्तराखंड से आया हूँ। तो देखो बहुत ही निकट इससे पता लगता है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिखे तुरंत यहाँ पे आँख बंद करके आसन भूतकाल पे टिक कर देना। आगे देखिए, पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, बस यही देखना हमने। पूर्ण मतलब पूरा, तो लंबा टाइम हो गया बीता हुए टाइम को, तो आप उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। एक और पहचान देखो, था, थी, थे, चुका, चुकी, ये सारे इस काल में आते हैं, इस भेद में। देखो, अनामिका ने नृत्य किया था, डांस किया था, वह दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो देखो पहली पहचान तो था, थी, थे इसमें आएंगे। दूसरी बात, समय को, काम को पूरा हुए बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। देखो अनामिका ने नृत्य किया था, तो बहुत लंबे टाइम की बात हो रही है कि किया था, कभी टाइम एक साल, डेढ़ साल, छः महीने पहले किया था, तो एक लंबे टाइम की बात हो रही है इसमें। आगे देखिए, अपूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ हो। देखो, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से चल रहा था, मतलब काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन वो काम अभी भी चल ही रहा है, कंटिन्यू अभी भी है। तो देखिए किस तरह से इसमें अंत में आते, देखो रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। देखो मैदान,
मोहन मैदान में घूम रहा था, हॉकी व हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था, राहुल लिख रहा था। तो पहली पहचान रहा था, रही थी, आ रहे कंटिन्यू। अब देखिए कैसे पहचान, इसको पहचानेंगे कैसे। तो एग्जांपल है मोहन मैदान में घूम रहा था, तो फ्रेंड्स देखो वो घूम रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ, उसने काम खत्म नहीं किया है, इसका हमें पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है खत्म कर भी दिया हो, उसने घूमना बंद कर दिया हो, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे आपको पता ना चले कि काम अभी खत्म हुआ है या नहीं, पूरा हुआ है, ये कंटिन्यू चल रहा होता है, तो वहाँ पे हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है। बड़ा आसान से समझिए आप, संदिग्ध भूतकाल। देखिए संदिग्ध का मतलब होता है डाउट, शक, जहाँ पे आपको संदेह हो, बस वही आपको। देखिए ये भी इसकी जो परिभाषा डेफिनेशन यही है कि क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या किए हुए कार्य पर संदेह प्रकट हो, ठीक है, तो संदिग्ध भूतकाल है। देखो तो पहचान के अंत में गा, गी और गे। भूतकाल की एक और बात बता दूं आपको कि फ्रेंड्स जो गा, गी और गे हैं, ये सारे आपको किस में होते हैं, भविष्य काल में। लेकिन जहां पे भी आपको भूतकाल में गा, गी, गे दिखे, बस समझ जाइए कि आप संदिग्ध भूतकाल ही है। एग्जाम्पल देखिए, श्याम ने पत्र लिखा होगा, वे क्रिकेट खेले होंगे, बस छूट गई होगी, उसने खाना खाया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक तो होगा है संदिग्ध है, संदिग्ध मतलब डाउट है, शक है, आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि श्याम ने पत्र लिखा होगा। अब लिखा भी होगा, नहीं लिखा होगा, हो सकता है नहीं लिखा होगा, हो सकता है कि लिख लिया होगा, तो आपको डाउट में है। तो देखिए ये सारे डाउट वाले सेंटेंस हैं, बस आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे भी आपको डाउट लगे पहली बात तो संदिग्ध भूतकाल है, दूसरा लगे गागी गे आएगा भूतकाल के सेंस में, तो वो आपका क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। आगे देखिए हेतु, हेतु मद भूतकाल, जिसमें पहली क्रिया, बड़ा आसान है, देखो एक क्रिया दूसरे पे निर्भर होगी, पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती जिसके कारण दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती है, दूसरी पहचान है। तीसरी है किसमें, कंडीशन, शर्त रखी जाती है। देखो पहली बात यह कि हेतु, हेतु में कैसे पहचान करेंगे कि दो सेंटेंस होंगे। देखिए एग्जांपल देखो कि मैं आगरा गया जाता, एक सेंटेंस, और ताजमहल देखता, दो सेंटेंस हो गए, एक दूसरे पे डिपेंड है। देखो मैं आगरा जाता तो ही ताजमहल देख पाता, तो एक दूसरे पे डिपेंड है। जहाँ पे भी आपको दो सेंटेंस डिपेंड हो एक दूसरे पे, वो आपका हेतु, हेतु मद भूतकाल होगा। देखिए एक काम पूरा नहीं होता है तो दूसरा भी पूरा नहीं हो पाएगा। देखो मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, मैं आगरा गया ही नहीं क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ तो ताजमहल भी मैं नहीं देख पाया। तो देखो एक काम पूरा नहीं हुआ कि दूसरा भी हमारा पूरा नहीं हो पाया। शर्त भी रखी है कि अगर मैं जाता तो ही तो ताजमहल देखता, सेम ऐसे सुरेश मेहनत करता तो पास हो पाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो सारे ये भी एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग है। वर्तमान काल देखिए, वर्तमान काल की पहचान क्या है, डेफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है अभी भी, अभी वर्तमान में, वो वर्तमान काल। देखो इसकी पहचान है अंत में क्या आता, ता, ती, ते, हैं, इस तरह से आते। देखो वर्षा हो रही है तो है आएगा इसमें, राजू गाता है तो ता है, या रही है, ये आते हैं। देखिए वर्तमान काल के भेद क्या हैं, ये आपको एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इन्हीं पांचों में से कोई भी एक टाइप का दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि ये किस काल का सेंटेंस या वाक्य है। देखो सामान्य भूतकाल अपूर्ण, इसी को तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। चलो डीपली जानते हैं इन्हें। सामान्य वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान मतलब जिस क्रिया से, क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। मतलब जिस सेंटेंस से, जिस क्रिया से हमें वर्तमान में काम का होना पता लग रहा वो हमारा वर्तमान काल है। पहचान क्या इसके अंत में आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ती हूँ, इस तरह से आता। देखो राम घर जाता है आ गया, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है, मैं घर जाता हूँ, तो ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से सेंटेंस आपके खत्म होते हैं। और देखो वर्तमान काल का सेंस है तो राम घर जाता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान काल का है।
सामान्य वर्तमान मामला सिंपल प्रेजेंट। आगे देखिए अपूर्ण या तात्कालिक। फ्रेंड्स कई बार आपको अपूर्ण दे दिया जाएगा, कई बार आपको तात्कालिक दे दिया जाएगा, ये दोनों एक ही है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूब में आपको इनको अलग अलग से दिखाया गया होगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, अपूर्ण ही तात्कालिक है, तात्कालिक ही अपूर्ण है। आगे देखो अपूर्ण का अर्थ है अधूरा, तो नाम से जाने अधूरा मतलब जिसमें काम पूरा नहीं हुआ हो। देखो क्रिया के जिस रूप से कार्य का लगातार होने का पता लगे, अभी भी काम चल ही रहा है मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा अपूर्ण या तात्कालिक। तात्कालिक मतलब तत्काल में, तत्काल में वो चल ही रहा है अभी। तो देखो इसकी और पहचान अंत में देखो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह से आता है। देखो देखो श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, रमेश लिख रहा है। तो देखो इस काम का कंटिन्यू चल रहा है कि श्याम गेंद खेल रहा है, ठीक है, अभी भी वह गेंद खेल ही रहा है, उसने खेलना बंद नहीं किया है। तो देखो लगातार काम के लगातार होने का पता इसमें चलता है। तो जहां पे भी आपको इस तरह की कंडीशन सेंटेंस दिखे, बस आंख बंद करके अपूर्ण या तात्कालिक पर टिक कर दे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चले, जस्ट अभी काम पूरा हुआ हो, उस सेंटेंस से आपको फीलिंग आ रही हो, समझ में आ रहा होगा कि काम पूरा हो गया, बस अभी अभी हुआ है, तो वो आपका पूर्ण वर्तमान का मतलब वर्तमान में है, वो पूर्ण है, हो चुका है। देखिए इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूरे होने का पता चलता है कि काम पूरा हो गया है जस्ट अभी। देखो मैंने फल खाए हैं, उसने गेंद खेली है, वह आया है, पत्र भेजा गया है। तो देखो फ्रेंड सारे तो नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि मैंने फल खाए हैं। क्लियरली समझ आया होगा, आ रहा होगा कि बस फल खा लिए, अभी अभी फल खाए हैं। वर्तमान काल का तो देखो न कभी खाए थे या न खाएंगे हम, खाए हैं तो अभी अभी खाए हैं, वर्तमान में हैं। अब पूर्ण वर्तमान में क्या है कि देखो अभी अभी खाए हैं, तो जहाँ पे भी आपको अभी अभी की फीलिंग आएगी वो आपको पूर्ण वर्तमान काल का ही सेंटेंस वाक्य होगा। आगे देखिए संदिग्ध वर्तमान काल, फ्रेंड नाम पे जाइए, बस बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें मकसद हमारा है कि हमारे नंबर आने चाहिए। संदिग्ध मतलब शक, डाउट, ठीक है, संदेह हो जहाँ पे। तो ये संदिग्ध जो आपका भूतकाल में भी था, संदिग्ध आपका यहाँ भी है। तो भूतकाल में क्या है कि काम हो चुका होगा, वर्तमान में काम चल रहा होगा, लेकिन शक होगा दोनों में। जिस क्रिया से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर क्या हो, शक हो, बस यही शक देखना है आपने। और अंत में क्या है, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। देखो फ्रेंड ये भी यहाँ पे भी देखो, क्योंकि गा आएगा भूतकाल, जो भूतकाल में था संदिग्ध वहाँ पे भी गागी गे था, यहाँ पे भी गागी गे ही आएगा संदिग्ध में। देखो वह गाता होगा, राम खाता होगा, रमेश जाता होगा, सविता पत्र लिखती होगी। तो देखो यहाँ पे होगी, होगा, होगी आ रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है, देखो संदिग्ध मतलब शक, तो आपको डाउट है काम में कि सविता पत्र लिखती होंगी, होगी। अब जरूरी तो नहीं है कि वो लिख रही होगी या लिख ली, लिख रही होगी, लिख लिया या ख़त्म कर दिया है, हो सकता शुरू ही ना किया हो, सिर्फ हम एक अनुमान, डाउट रहता है हमें, वो वही डाउट आपका यहाँ पे क्या है, संदिग्ध हो जाता है। आगे देखिए संभाव्य, संभाव्य और संदिग्ध में थोड़ा सा अंतर है। संदिग्ध में आपको शक होता है हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, संभाव्य में हम कल्पना करते हैं, संभावना होती है ना। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो वह आया हो, वह लौटा हो, वह चलता हो, तो इस टाइप के सेंटेंस आपके संभाव्य में होंगे, संभावना होगी, डाउट नहीं होगा, आपको संभावना लग रही होगी कि ऐसा हो। आगे देखिए भविष्य काल में, इसका तो बड़ा आसान सा, देखो क्रिया के जिस रूप से क्रिया रूप से क्रिया के आने वाले समय का, आने वाले समय का पता लगे, वो हमारा भविष्य काल है। देखो गा गी गे ये आते हैं इसके सेंटेंस के अंत में, जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा,
राजू देर तक पढ़ेगा, तो देखो गागी की आ रहे हैं फ्यूचर सेंस में कि कल विद्यालय जाऊंगा, तो आने वाले टाइम की बात हो रही है। देखिए इसके तीन ही भेद बड़े आसान है, बहुत ही सिंपल से हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखें आप। सामान्य भविष्यकाल, देखो सामान्य भविष्यकाल कौन सा होता है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के सामान्य रूप से सिंपल फ्यूचर है कि सामान्य भविष्य का, सामान्य रूप से भविष्य का होने, भविष्य में होने का पता चले, और अंत में गा गी और गे आएंगे। देखो वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, मैं जाऊंगा, वह करेगी, नाचेगी, गाएगी, खाएगी, पिएगी, जो भी कुछ है सारे सेंटेंस आपके सामान्य भविष्य काल में होंगे, सिंपल फ्यूचर हैं। देखिए सवाल आपको इन्हीं से आते हैं, संभाव्य और हेतु, हेतु मद में देखो संभाव्य भविष्य, फिर से देखो संभाव्य आपका वर्तमान काल में भी संभाव्य था, वर्तमान संभाव्य, यहाँ पे भी देखो भविष्य संभाव्य, बस वर्तमान में आपको वर्तमान का सेंस आएगा, यहाँ पे फ्यूचर सेंस में बात हो रही होगी, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने की संभावना हो, फ्यूचर में संभावना और इसमें प्रेजेंट में संभावना। देखो शायद कल सुनील आगरा जाए, तो फ्यूचर की बात हो रही है, शायद आज वर्षा हो, शायद चोर पकड़ा जाएगा, परीक्षा में शायद मुझे अधिकतम अंक प्राप्त होंगे, तो देखो पॉसिबिलिटी लग रही है आपको कि शायद कल सुनील आगरा जाए ना जाए, या जाए वो आपको लग रहा है, एक पॉसिबिलिटी लग रही है, कुछ चांसेस हैं, तो जहाँ पे भी ये पॉसिबिलिटी लगे आपको संभाव्य भविष्यकाल ही होगा। आगे देखिए बड़ा ही आसान है, हेतु हेतु मद, फिर से देखो हेतु हेतु मद आपका भूतकाल में भी था, और वहाँ पे भी आपको यही नियम बताया था कि क्रिया एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होगा, बस यही है कि एक कार्य का होना दूसरे पर डिपेंड होगा, शर्त होगी, इसमें भी शर्त है उसमें भी शर्त है, दो सेंटेंस होंगे, बस देखिए यहाँ पे बड़ा आसान है, यदि छुट्टियाँ होंगी तो मैं आगरा जाऊँगा, तो देखो एक दो सेंटेंस हैं, एक तो छुट्टियों का होना और दूसरा आगरा का, आगरा जाना, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत करना और फल मिलना, वह आएगा और मैं जाऊंगा, आना और जाना दो सेंटेंस हैं, बस एक दूसरे पे डिपेंड है और फ्यूचर सेंस की बात हो रही है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, बस ये प्रैक्टिस सेट है, ये सारे एग्जाम्पल आपको जो है भूतकाल के, जो आपको छह वेद बताए हैं उन्हीं भूतकाल में ये देखना, आपने वीडियो को रोके थोड़ी देर रोकने के बाद क्या करें, इनको आराम से देखें, जो भी आपने अभी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे श्याम ने पत्र लिखा है तो एक किस सेंस में बात हो रही है, कमल गया है, नौकर पत्र लाया था, तो सारे ये भूतकाल के हैं, इसी तरह से देखो फ्रेंड्स ये वर्तमान काल के हैं, तो जो भी वर्तमान काल में आपको पांच भेद बताए हैं उन्हीं पांच भेदों में से ये अलग अलग टाइप के हैं, तो आपने उनको पहचान करनी है, इसी तरह से भविष्य काल के, बस आप इस वीडियो को रोकें थोड़ी देर, इन एग्जाम्पल को देखें आराम से तसल्ली से, बस फ्रेंड्स वीडियो देखना, उसको समझना और उसके बाद प्रैक्टिस करना, बस एक नॉलेज आपको पक्की हो जाएगी। देखो इस तरह से ये सारे जो है फ्यूचर सेंस में जो तीन ही टाइप बताए थे आपको, सामान्य संभाव्य और हेतु हेतु मद, तो आप इन तीनों को देखें आराम से तसल्ली से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आपको ये सवाल एक दो तीन नंबर के पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हम तक ज़रूर शेयर करें, हमें लगेगा कि हमारी वीडियो ने आपको हेल्प की है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए एक टॉपिक के साथ।